Hello everybody, I welcome all of you on my YouTube channel, and here I am starting a new MCQ series which will have static MCQs also and current affairs MCQ also from Hindu and the Indian Express newspaper. So it's my personal guarantee. If you will follow 1 to 1 1.5 year MCQs from my channel only, then you can easily qualify your CSAID paper number one. You can easily qualify, you can easily attempt 80 questions out of, out of 100 questions. ओके okay. सो so, मैं ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ भारत ई वीज़ा प्रणाली के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाने वाला एक नियमित वीज़ा है ई वीज़ा के लिए के लिए मान दंड के लिए आवेदक को आवेदन करते समय कम से कम छः महीने की पासपोर्ट वैधता की आवश्यकता होती है विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो विदेशियों को वीज़ा जारी करता है सो इनमें से जो उचित आंसर हो आप उस पर निशान लगाइए सो उचित आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ये इसकी व्याख्या है अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीड कर सकते हैं अगला सवाल सीबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह भारत सरकार के एचएमए के अधिकार क्षेत्र में आता है यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की जांच के लिए शक्ति प्राप्त करता है इससे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है इनमें से उचित वाक्य पर निशान लगाइए सो ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए भारत में उचित और लाभकारी मूल्य खेती लागत और मूल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुरूप तय किया गया है करने की एफ आर पी आदेश नाइनटीन सिक्सटी सिक्स के तहत निर्धारित की जाती है राज्य परामर्श मूल्य की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पाद राज्यों द्वारा की जाती है जो आमतौर पर एफ आर पी से अधिक होते हैं इनमें से जो उचित वाक्यों आप उस पर निशान लगाइए तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो उचित होगा अगला सवाल यह एक ऊष्ण कटिबंधीय बारह मासी घास है जो 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 कि उत्पादन करने के लिए आधार पर पार्श्व शूट बनाई जाती है आमतौर पर तीन से चार मीटर ऊंची और लगभग पाँच सेंटीमीटर व्यास की होती है इसका इस्तेमाल जैव ईंधन के उत्पाद के लिए भी होता है खासकर खासकर यह ब्राजील में उगाई जाती है सो यह निम्नलिखित में से कौन सी फसल है सो ऑप्शन नंबर फोर्थ अगला सवाल सुजालम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है इसका उद्देश्य देश, देश भर में अधिक से अधिक खुले में मुक्त गांव बनाना है सो so, उचित वाक्यों पर निशान लगाइए सो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से उचित आंसर है अगला सवाल अनरमुला नौका दौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है यह केरल में सबसे पुराना नदी नौका उत्सव है केवल गांव के पुरुषों को नाव में जाने की इजाज़त है यह मुख्य रूप से वसंत ऋतु में फसल उत्सव ओणम के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है उपरोक्त सभी वाक्य सही हैं सो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सही आंसर सही है अगला सवाल हाल ही में हाल ही में निम्नलिखित में से इसने भारत में बच्चों के लिए वैश्विक बी इंटरनेट विषमयकारी कार्यक्रम शुरू किया है सो ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए सिरुवानी पहाड़ियाँ एरल, वंगई रेंज ओडिशा सरमती चोटी नागालैंड सो so, इनमें से जो उचित युग्म है उस पर आप निशान लगाइए सो ऑप्शन नंबर फोर्थ अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थल भारत में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कार्यक्रम से जुड़ा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कानिका घाट वन्य जीव अभ्यारण्य गौर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य सो so, इनमें से जो उचित आंसर हो उस पर आप निशान लगाइए सो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है और आज का आखिरी सवाल निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए सरदार सरोवर बांध नमना नदी भागड़ा बांध रतलुज नदी हीरा बांध महानदी जयकवाड़ी बांध कृष्णा नदी सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट right आंसर है वन टू एंड थ्री और ये आपकी व्याख्या है अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आप रीड कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ और वीडियोस की रिक्वेस्ट चाहते हैं तो वो भी आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं अगर हो पाया तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर से ज़रूर रिकॉर्ड कर दूंगा सो थैंक यू सो मच